Hello students, welcome back to my channel Simplified Social Science. Class 11th, chapter 3 orders. Moving to the next topic, factors affecting social and economic relations. देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम इंडिया में बात करें तो मैं ब्राह्मण्स और क्षत्रियास वो सिस्टम को कोई चेंज नहीं होने देना चाहते थे. क्लास 10th में हिस्ट्री में आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी दे नेवर वांटेड एनी चेंज. 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो फर्स्ट टू क्लासेस थी, फर्स्ट एस्टेट सेकेंड एस्टेट, वो कोई चेंज नहीं चाहती थी और ऑल द चेंजेस दे वर डिमांडेड बाय द पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट. तो मैं आपको ये एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ, मैं एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहती हूँ, मैं एक आपको कोरिलेट कर रही हूँ, इंटर रिलेट कर रही हूँ कि सब तरफ, चाहे वो इंडिया हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, सब तरफ सिस्टम एक ही था. मेंबर्स जो थे ऑफ फर्स्ट टू ऑर्डर्स वो सोशल सिस्टम को अनचेंजिंग कहते थे एंड ये अनचेंज, और वो कहते भी थे और वो मानते भी थे कि सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा और ना होना चाहिए. बट कुछ ऐसे प्रोसेसेस हुए सिस्टम में चेंज आने के लिए मजबूर होना पड़ा. वो प्रोसेसेस जो थे वो सेवरल प्रोसेसेस विच वर ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम और एनवायरमेंट वर ग्रेजुअल एंड ऑलमोस्ट अनपरसेप्टेबल. और कुछ ऐसी चेंजेस थी जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लैंड यूज पैटर्न चेंज हो गया, और दीज इन टर्न दे वर शेप्ड बाय एंड हैड एन इफेक्ट ऑन द सोशल इकोनॉमिक टाइज. मतलब ये इन सब चीजों का इफेक्ट क्या हुआ, इन सब चीजों का इफेक्ट ये हुआ कि आपस में जो सोशल रिलेशंस थे लॉर्ड और वेसल के, लॉर्ड एंड वेसल के जो सोशल रिलेशंस थे, ये चेंजेस जो थी ये बहुत ज्यादा इनके कारण वो कोई भी चेंज उसको ये दोनों एस्टेट के लोग जो फर्स्ट और सेकेंड ये नहीं उसको अवॉइड कर सकते थे. अब मैं एक बार आपको ये लिख के दिखा देती हूँ, आपको जो मैं आपको बोल रही हूँ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट क्लर्जी फर्स्ट ऑर्डर एंड किंग्स. क्लर्जी सेकेंड ऑर्डर अगर मैं कहूं तो किंग्स और लॉर्ड्स वगैरह जो है वो किंग्स के अंडर ही थे. लॉर्ड्स वगैरह देवर ये सॉरी लॉर्ड्स जो थे ये किंग्स के अंडर ही थे, तो ये सेकेंड एस्टेट ही कह दें. तो ये आपस में ये दोनों एस्टेट के लोग ये कोई चेंज नहीं चाहते थे फर्स्ट एंड सेकेंड, बट चेंजेस हुई बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो. नाउ एनवायरमेंट फ्रॉम द 5th टू द 10th सेंचुरी, मतलब 10th सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ईयर 900 समथिंग की बात कर रहे हैं. यूरोप जो था वो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया था, लैंड एग्रीकल्चर के लिए केवल लिमिटेड थी, बहुत लिमिटेड लैंड थी एग्रीकल्चर के लिए, बेयरली देयर वाज एनी लैंड फॉर एग्रीकल्चर अगर मैं कहूँ तो. तो फ्रॉम 5th टू यूरोप जो था वो मोस्टली फॉरेस्ट था, लैंड एग्रीकल्चर के लिए लिमिटेड थी, पीजेंट्स डिससेटिस्फाइड थे. मतलब ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ये कॉजेज हैं ये जिसके कारण ये एनवायरमेंट को इफेक्ट हुआ. लैंड बहुत कम थी, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट इसी पर्पज से कर रही हूँ. देन पीजेंट्स डिससेटिस्फाइड विद देयर कंडीशंस कुड फ्री फ्रॉम ऑपरेशन. पीजेंट्स बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे, वो खुश नहीं थे कि कंडीशन से जिससे वो फ्री हो सके ऑपरेशन और वो फॉरेस्ट में जाकर शरण ले लें. पीजेंट्स डिससेटिस्फाइड थे और क्योंकि उनके ऊपर ये लॉर्ड्स वगैरह बहुत ज्यादा उनको अत्याचार करते थे, मतलब वो कहाँ से खेती करे, लैंड ही नहीं थी. सो यूरोप वॉज अंडरगोइंग बहुत कोल्ड क्लाइमेटिक स्पेल था. जैसे आप देखते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस कुछ सालों में आई है, क्लाइमेटिक चेंजेस कहते हैं जो 30 to 40 ईयर्स के बाद चेंजेस आती हैं. यूरोप में एक बहुत ज्यादा इंटेंसली कोल्ड चल रहा था, क्लाइमेटिक चेंजेस जो थी यूरोप में बहुत ज्यादा हो गई थी. दिस लेड टू प्रोलॉन्ग विंटर और ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप्स एंड रिड्यूस यील्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो ये विंटर्स बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गई और क्रॉप्स जो है वो ग्रो हो गए और बहुत सीवियर विंटर थी. नाउ द
फ्रॉम 11th सेंचुरी यूरोप एंटर अ बॉम्ब फेज. अब 11th सेंचुरी में यूरोप में थोड़ा एक बॉम्ब फेज शुरू हुआ. 11th सेंचुरी मतलब ईयर 1000 समथिंग. तो 11th सेंचुरी से बॉम्ब फेज, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रोफाउंड इफेक्ट हुआ, पीजेंट जो है उनको ग्रोइंग सीजन मिल गया, सॉयल मिल गई और अब फ्रॉस्ट नहीं होती थी, मतलब ओले वगैरह नहीं पड़ते थे और वो लैंड को बहुत इजीली उसको फर्टाइल कर सकते थे, उसमें वो खेती कर सकते थे. एनवायरमेंटल हिस्टोरियन जो है उन्होंने नोट किया कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही थी और एक्सपेंशन जो है वो एग्रीकल्चर की स्टार्ट हो गई. तो एक बार मैं जस्ट इसको समराइज कर दो, 5th to 10th सेंचुरी में यूरोप में बहुत वास्ट फॉरेस्ट थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड थी, मतलब हार्श क्लाइमेट था कि एग्रीकल्चर जो पीजेंट थे उनके लिए बहुत मुश्किल थी, प्लस ऑपरेशन जो है वो उनके लिए दूर नहीं हो रहा था, ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा था. और 11th सेंचुरी से यूरोप जो है वो एक वार्म फेज में एंटर हुआ यूरोप, एंड यूरोप के वार्म फेज में एंटर होने के कारण ये एक प्रोफाउंड इफेक्ट हुआ एग्रीकल्चर पे, पीजेंट्स नाउ हैड अ लॉन्गर ग्रोइंग सीजन एंड सॉयल नाउ लेस सब्जेक्टेड टू फ्रॉस्ट. नाउ लैंड यूज पैटर्न. अब लैंड यूज, इनिशियली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, ओनली मैकेनिकल एड जो अवेलेबल था वो था वुडन प्लाउ, मैकेनिकल था वो भी, हाथ से चलाते थे वो, बाय एंड अ टीम ऑफ ऑक्सन. जैसे आप हमारे खेतों में अभी भी देखते हैं, कुछ जो पिछड़े हुए गांव हैं वहां पे अभी भी हल जिसे हम कहते हैं. दिस प्लाउ कुड एट बेस्ट क्रैश द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड ये एक टीम ऑफ ऑक्सन के साथ. देन ये दिस प्लाउ कुड एट बेस्ट क्रैच द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वॉज अनेबल टू फुली ड्रॉ आउट द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल. और इससे सॉइल की जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है वो हो नहीं पा रही थी. एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव था, टोटली डिपेंडेंट ऑन लेबर. एग्रीकल्चर वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन लेबर. तो एग्रीकल्चर जो था वो लेबर इंटेंसिव था. फील्ड्स हैड टू बी डग बाय हैंड ऑफन वंस इन 4 years. And enormous manual labor was required. बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर जो है वो रिक्वायर्ड थी. Enormous manual labor was required. Also, an effective method of crop rotation was in use. अब धीरे धीरे करके वो क्रॉप रोटेशन का मेथड भी यूज होने लगा था. लैंड वॉज डिवाइडेड इन हाफ, वन फील्ड वॉज प्लांटेड इन ऑटम विद विंटर वीट, अदर फील्ड वॉज लेफ्ट फेलो. आप देखिए कितनी सिस्टमैटिक कर रहे थे वो, क्रॉप रोटेशन कर रहे थे. आधी फील्ड वो प्लांट करते थे ऑटम में वीट की और बाकी फेलो छोड़ देते थे, मतलब वीट के लिए. ये देखिए बाकी लैंड जो थी वो खाली छूट जाती थी. नाउ राय वॉज प्लांटेड ऑन दिस पीस ऑफ फेलो लैंड द नेक्स्ट ईयर वाइल द अदर हाफ वॉज पुट टू फेलो. और इस तरीके से ये ऐसे इस सिस्टम से सॉइल पर ये सिस्टम से बहुत अच्छा नहीं रहा. सॉइल जो है इस सिस्टम का क्या हुआ, सॉइल जो है वो डिटेरियोरेट हो गई. फेमाइंस अनकॉमन नहीं थे यहाँ पे, फेमाइंस देवर नॉट अनकॉमन, एंड फेमाइंस देवर अनकॉमन वहां पे नहीं थे. फेमाइंस देवर मतलब आते ही रहते थे. क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन ऑल्टरनेटेड विद डिवास्टेटिंग फेमाइंस, लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी. मतलब वही सिचुएशन जो हमारे इंडिया में थी बेचारे किसानों की, ऐसे ही वहां पे थी कि वो सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. डिस्पाइट दीज हार्डशिप लॉर्ड जो थे वो बहुत एंशियस थे अपने इनकम को मैक्सिमाइज करने के लिए. बताइए पीजेंट्स के कितने कितना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन लॉर्ड जो थे वो बहुत ज्यादा एंशियस थे कि उनकी किसी तरीके से इनकम इंक्रीज हो जाए. सिंस पॉसिबल था नहीं आउटपुट से, पीजेंट जो है दे वर फोर्स टू ब्रिंग अंडर कल्टिवेशन ऑल द लैंड इन द मैनोरियल एस्टेट. और उनको ये लीगली बाउंड नहीं, दे वर लीगली बाउंड टू डू सो, मतलब उनको और ज्यादा मैनोरियल एस्टेट की लैंड पे भी खेती करनी पड़ती थी. पीजेंट्स डिड नॉट बो क्वाइटली टू ऑपरेशन. लेकिन यहाँ के पीजेंट्स की एक चीज जो थी वो अच्छी थी कि उन्होंने अत्याचार के आगे सर नहीं झुकाया. सिंस they could not protest openly, उन्होंने passive resistance ले ली.
वो ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, पैसिव रेजिस्टेंस उन्होंने ले ली. दे स्पेंड मोर टाइम इन कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड एंड कैप्ट मच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबर. उन्होंने स्मार्ट गेम, जैसे कहते हैं ना आप स्मार्ट गेम, उन्होंने क्या किया, अपने लैंड पे ज्यादा टाइम डिवोट करने लगे, अपना जो प्रोड्यूस है वो ज्यादा अपने पास रखने लगे, मच ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबर फॉर देमसेल्व्स. दे ऑल्सो अवॉइडेड परफॉर्मिंग अनपेड सर्विसेज. जिस सर्विसेज के पैसे नहीं मिलते थे वो सर्विसेज उन्होंने देनी बंद कर दी. ये इफेक्ट है स्टूडेंट्स, ये है इसको आप साइड में, मैं आपके लिए इसमें हेडिंग लिख देती हूँ जो आप भी अपने बुक्स में नोट कर सकते हैं, दैट कि ये रिएक्शन बाय द पीजेंट्स, रिएक्शन ऑफ, इसे आपको सिस्टमेटिकली ऑफ पीजेंट्स. देन दे केम इन टू कंफ्लिक्ट विद लॉर्ड ओवर प्रेशर. अब नेचुरल है ये सब वो साइलेंटली कर रहे थे, पैसिव का मतलब होता है चुपचाप. अब वो लॉर्ड जो थे उनके साथ में कंफ्लिक्ट हो गया, पैशर एंड फॉरेस्ट लैंड, एंड दे सॉ दीज लैंड एज रिसोर्सेज जो होल कम्युनिटी यूज करे. व्हाइल लॉर्ड्स मतलब पीजेंट्स ने अपना ये इसका वो दिया कि ये मेनोरियल स्टेट की जो जमीन है वो सारी कम्युनिटी के लिए है, नॉट ओनली फॉर यू. और उनका ये कहना था कि ये जो है ये केवल उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. इस बात पे आपस में कंफ्लिक्ट हो गया, मतलब उन्हें इनकम भी ज्यादा चाहिए, लैंड भी नहीं है, तो वो क्या करें बेचारे. न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, अब देखिए ये न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ये बाय 11th सेंचुरी ये देयर इज एविडेंस ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. बहुत सारी चेंजेस हैं, और वो क्या चेंजेस हैं न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, वो आप इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. बेसिक वुडन प्लाउ की जगह आयरन टिप प्लाउज एंड मोल्ड बोर्ड्स आ गए, ये फर्स्ट चेंज था. ये देखिए मैं इसीलिए आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ. अब दीज प्लाउ वो बहुत डीपर वो खोद सकते थे और टर्न द टॉप सॉइल प्रॉपरली, मतलब इससे टॉप सॉइल जो है वो बेकार नहीं जाती थी, उसको यूज कर सकते थे. और न्यूट्रिएंट्स जो है, ये इसका ये फर्स्ट पॉइंट है, इससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के वो बहुत वो यूटिलाइज हो जाते थे, और वो टॉप सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसके कारण व्हाट यूज्ड टू बी हैपन कि ये टॉप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और इसके कारण उनकी अच्छी एक सिस्टम जो है वो बन गया था. सेकेंड मेथड, मेथड ऑफ हार्नेसिंग एनिमल्स टू द प्लाउ इम्प्रूव हो गया. पहले जैसे नेक पे बांधते थे, आपने देखे होंगे ना कि ये हमारे इंडिया में भी नेक पे बांधते थे. मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग, अब इंस्टेड ऑफ नेक हार्नेस शोल्डर, मतलब जो एनिमल्स हैं उनको तकलीफ नहीं होती थी, इससे मेथड ऑफ हार्नेसिंग जो है ये इम्प्रूव हो गया था. दिस इज पॉइंट नंबर टू. इससे एनिमल्स को बेचारों को ज्यादा पावर एग्जर्ट नहीं करनी पड़ रही थी, ये सेकेंड पॉइंट है ये. और हॉर्सेज वर नाउ बेटर शॉट विद आयरन हॉर्स शूज. आयरन हॉर्स शूज के कारण उनके बेचारों के जो पैर हैं वो खराब नहीं होते थे. दिस यू कैन टेक इट एज पॉइंट नंबर थ्री. और इसको ये आपके ऐसे न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, दिस इज पॉइंट नंबर थ्री. देयर वाज इंक्रीज यूज ऑफ विंड एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. ज्योग्राफी की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आप समझ पा रहे हो इसको, तो देयर वॉज एन इंक्रीज यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर ये देखिए विंड मिल्स वगैरह जो है यूरोप में, मिलिंग कॉर्न एंड प्रेसिंग ग्रेप्स, ये एनर्जी यूज होने लगी. इससे मैनुअल लेबर कम लगती थी, और मैनुअल लेबर कम लगने के कारण उनकी भी एक उनको भी आराम हो जाता था. मैनुअल लेबर कम लगने से एफिशिएंसी ज्यादा, आप थक के ज्यादा नहीं पढ़ाई कर सकते, तो मैनुअल लेबर कम और उनको एफिशिएंसी जो है वो उनको ज्यादा मिल जाती थी. Now there was were changes in land use. Most revolutionary was switch from two field to three field system. ये देखिए two field से लेके और वो system जो था वो three field system हो गया था, वो two field से लेके three field system. ये एक बहुत बड़ा change था जो उस समय आया था. The most revolutionary was two field से. Peasants जो हैं वो उसको they could use field two for 2 years out of three अगर वो plan करते हैं तो. नेक्स्ट क्रॉप ऑटम एंड डिफरेंट स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन को भी वो यूज कर सकते थे. डिफरेंट क्रॉप इन स्प्रिंग सीजन, दैट मेंट कि फार्मर्स कुड ब्रेक देयर होल्डिंग्स इनटू थ्री फील्ड. कि फार्मर्स जो है वो अपनी होल्डिंग को
तीन फील्ड में उसको ब्रेक कर सकते थे. दे कुड प्लान वन दैट वीट, एक राय ऑटम के लिए फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और सेकेंड कुड बी यूज इन फॉर टू रेज पीज, बीन्स एंड लेंटल्स, जो ह्यूमन यूज के लिए खाने में, मतलब वो ना उसपे अपने फूड में वो यूज करते थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस यू कैन सी एज पॉइंट नंबर 5. तो ये इंपॉर्टेंट लैंड यूज पैटर्न का चेंज, एंड विद दीज इम्प्रूवमेंट देयर वॉज एन इमीडिएट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड. जो एक यूनिट लैंड से जो फूड प्रोड्यूस होता था, इट रिजल्टेड इन द अमाउंट ऑफ फूड इंक्रीज, फूड प्रोडक्शन जो लैंड से होता था, फूड अवेलेबिलिटी अब काफी अच्छे से इंक्रीज हो गई, एंड दिस वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर द पीजेंट्स. फूड अवेलेबिलिटी डबल हो गई, ग्रेटर यूज ऑफ प्लांट्स लाइक पीज एंड बीन्स मींस वेजिटेबल प्रोटीन डाइट मिलने लगी लोगों को, फूड फॉडर होने लगा एनिमल्स के लिए. और नाउ आप देखिए, हर चीज की शुरुआत फूड से होती है. तो एवरेज साइज पीजेंट की फार्म का, दे कुड नाउ प्रोड्यूस मोर फूड with less land. Average size of peasants farm shrank from 100 acre to 20 to 30 by 13th century. Holdings dheere dheere karke small hone lagi and could be more efficiently cultivated and reduce the amount of labor needed. So peasants ko aur activities ke liye bhi unko time milne laga. Ye technological changes iske money ki bahut zyada zarurat thi iske liye. Some of these they cost technological changes, ye bahut cost उसकी ज्यादा थी. तो पीजेंट जो है, दे डिड नॉट, उनके पास पैसा तो था नहीं इतना ज्यादा, इनफ मनी दे वर नॉट हैविंग. सो देयरफॉर इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द लॉर्ड्स, और पीजेंट्स के पास था नहीं, इनिशिएटिव लॉर्ड्स ने लिया, बट पीजेंट्स वर एबल टू टेक द इनिशिएटिव इन मेनी थिंग्स. जैसे उन्होंने एरेबल लैंड को एक्सटेंड कर दिया, थ्री फील्ड रोटेशन क्रॉप में आ गए स्मॉल, और इस तरीके से पीजेंट्स ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए. From 11th century, the personal bond that had been seen basis of feudalism, धीरे धीरे करके personal bond system weak होने लगा, because economic transactions move होने लगी. Peasants अपना labor देते थे, पर unpaid labor उन्होंने बंद कर दी थी, और economic transactions जो है वो becoming more and more money based. And lords found it convenient to ask for rent in cash, not services. And cultivators, अब lords जो थे, वो अपना they found it convenient कि वो rent cash में लेने लगे. And cultivators were selling their crop for money traders को, और उनकी जब goods वो sell करने लगे market में, money का use ज्यादा हो गया, prices का effect हो गया, and which became higher in times of poor harvest. In England, agricultural prices जो हैं वो काफी ज्यादा double हो गए थे. तो in this way ये एक ऐसा change आया जिसने lord की power को, lord की जो power है उसको थोड़ा सा weak कर दिया उसकी power को. So my dear students, this was for today, and I hope so ये highlighted portion से आप पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे. अगर एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, तो आपको ये काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा सा कमेंट दीजिए, और आगे प्लीज मुझे मोटिवेट करिए. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी ये लेसन दो वीडियोज, मिनिमम दो से तीन लगेंगी ये लेसन को कंप्लीट करने में.